फॉर सी यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। एंड आज के शो के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर, बल्कि तीन चीज़ों के ऊपर इनफैक्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या आमिर सुहेल को भी जॉब मिलने जा रही है, कैसा होने जा रहा है, यानी वो बताऊँगा। फिर नंबर टू के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पर उमर अकमल ने कमबैक किया अपना क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कितने रन बनाए उमर अकमल ने, किधर कमबैक किया उमर अकमल ने, वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर नंबर थ्री के ऊपर आपको बताऊँगा कि किसका पीछे से हाथ था एक्चुअली यहाँ पर कमबैक के लिए, इसके कम बैक के लिए, वो मैं बताऊँगा आपको। मोहम्मद आमिर के डोमेस्टिक में कम बैक के लिए ब्रेकिंग सी न्यूज आ रही, वो बताऊँगा। तो वीडियो गेट तक लास्ट में देखिए, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बता चलूँ तो उमर अकमल ने कितने रन बनाए यहाँ पर, तो उमर अकमल ने यहाँ पर आज अपना सेकेंड इलेवन जो कि डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है, सेकेंड इलेवन का उसकी तरफ से बुक्ती स्टेडियम में आज मैच खेले जा रहे थे। तो उमर अकमल ने वहाँ पे दो बॉलें खेल के जीरो रन बनाए हैं, और उमर अकमल ने जो भी अपना कम बैक किया वो जीरो रन के साथ उमर अकमल ने एक और अपना अच्छा सा कम बैक किया। पहले क्लब मैच उन्होंने खेला जिसमें भी वो टोटली नाकाम रहे, और अब वो यहाँ पर डोमेस्टिक की सेकेंड इलेवन में भी टोटली नाकाम रह चुके हैं। उमर अकमल ने जो आज कम बैक अपना एक दफा फिर से किया है, वहाँ पर सिर्फ उन्होंने जीरो रन बनाए हैं, बल्कि सिर्फ भी नहीं होता ये तो जीरो होता है, जीरो रन बनाए हैं दो बॉले खेल के उमर अकमल ने। तो ये उमर अकमल की अपडेट है। अब ये बात करते हैं आपके साथ आमिर सुहेल को क्या पीसीबी के अंदर जॉब मिलने जा रही है। तो आमिर सुहेल को अगर मैं आपको बताऊं तो पीसीबी के अंदर जरूर बिल्कुल, आपने अगर कहीं पर सुना है तो सही सुना है कि पीसीबी में जॉब मिल सकती है आमिर सुहेल सर को, और आमिर सुहेल पीसीबी के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर आमिर सुहेल और पीसीबी को यहाँ पर जॉब, आमिर सुहेल को पीसीबी के अंदर जॉब बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है। इसके ऊपर ऊपर नीचे चीज़ें हैं और आप बिल्कुल भी आप कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि आप आमिर सुहेल को जॉब मिलेगी, बट हाँ उनको एक अच्छी पोस्ट भी पीसीबी के अंदर मिल सकती है, और हुनो उसके चीफ सेक्रेटरी, मेरा अपना ओपिनियन है, मतलब मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ना कोई सोर्स वोर्स तो ऐसा गया, लेकिन अगर उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया जाता है तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होगी। राष्ट्रीय लतीफ या आमिर सुहेल को अगर चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। लेट्स सी ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट आमिर सुहेल कैन बी अ गुड ऑप्शन एज वेल, यू नो, जैसे वो क्रिकेट को देखते हैं, जैसे वो समझते हैं क्रिकेट को, ही सीम्स टू बी एन गुड ऑप्शन एज वेल। बस अभी कंफर्म नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आमिर सुहेल को पीसीबी में जॉब मिले। एंड लास्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बतानी है मैंने, वो है यहाँ पर मोहम्मद आमिर। लेकिन ये रमीज राजा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ दो फैसले अच्छे किए, एक तो उन्होंने सैलरीज बढ़ाई और दूसरा आपके फिक्सर्स को उन्होंने कब गड़े साइड पर, आपकी कोई जगह नहीं टीम के अंदर, दो फैसले अच्छे किए। दूसरा फैसला तो उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर लाना, क्या ये असल में रमीज राजा का फैसला था? लेकिन हम तो रमीज राजा के कहेंगे पीछे पीछे से जिस मर्जी का हो, पीछे से किसी एक एक्स क्रिकेटर का फैसला था, जो कि नजर आ रहा था कि एक एक्स क्रिकेटर ने पीछे से फैसला किया है, जो सारे पसे मंदर चीज़ों को हैंडल करते हैं, पाकिस्तान के एक लेजेंडरी क्रिकेटर थे, तो लोग ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, यू कांट डिनाई दैट, बट ऐसे फिर आपको प्रूफ भी चाहिए होते हैं। लेकिन हाँ, हम तो ये हैं भाई, रमीज राजा के टेन्योर में ऐसी हरकतें हो रही हैं तो उसमें रमीज राजा की गलती है, रमीज राजा शुड काम अप के भाई ये चीज़ें बंद करें कि पीछे से जो हैंडल हो रहा है, मतलब पर्दों के पीछे से जो सारा हैंडल कर रहे हैं आप, वो बंद होना चाहिए, दैट इज सिंपल। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रमीज राजा वुड बी टारगेट, दैट इज डेफिनेट। सो किसने मोहम्मद आमिर को टीम में रखा, क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट्स के अंदर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में से करें, वीडियो को लाइक लास्ट में से करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।